देखते हैं आंखों सुनते कानों को लिए सलाम का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जुमा मुबारक, कैसे हैं सारे? ठीक हो? तगड़े हो? भाई अभी अभी जुमा अदा किया है और घर की तरफ रवाना हूँ। शदीद भूख लगी हुई है। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। लाइक और सब्सक्राइब आप जल्दी करें पहले। हाँ, ये कर लो पहले। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि माशाल्लाह मेरा चेहरा नूरानी नूरानी लग रहा है और मैं माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ। जुमे को तो वैसे भी आपको पता है मैं स्पेशल रेडी होता हूँ और खूबसूरत लग रहा हूँ। गाइस, घर में पहुंच चुका हूँ और कोट मैंने उतार दिया है। अभी जरा लूज सी स्वेटर पहनी है। सीन यह है कि मैंने बहुत सी तैयारियां करनी है, कल बर्थडे है तो अभी बाहर के मामला देखने हैं, डेकोरेशन करवानी है, रेड कारपेट बिछेंगे सारे रास्ते पे घर से बाहर तक। तो दूध भी आज सुबह से नहीं लेके आया, तो अभी दूध लेने जाऊंगा। साथ साथ आपको मैं डेकोरेशन का लाए अमल बताऊंगा कि किस तरह के मामलात होंगे। बस एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। ओके, थैंक यू वेरी। गाइस, मैं दूध लेने जा रहा हूँ, साथ में आपको बता दूं ये बैकग्राउंड में आपको रास्ता नजर आ रहा है, ये मेरे घर को आता है। और कल यहाँ पे क्योंकि मेरी बर्थडे है, सब तरफ फूल ही फूल होंगे, कारपेट बिछे होंगे पहले रेड वाले, उसके ऊपर फूल पत्तियाँ होंगी, साइड पे जो है किनारियाँ, इस पर लाइटिंग लगी होगी, ठीक है। तो ये सारे जितने रास्ते हैं ना, ये सारे कारपेटेड होंगे कल फुल। और उसके अलावा तो बाकी आपको बता दिए, घर में लाइटिंग तो होगी होगी। मैं नहीं मानता। इसके अलावा ये है कि कोई फ्रेंड के या किसी और के किसी का सरप्राइज़ भी आ सकता है, कुछ हैं मोहब्बत करने वाले तो कभी कभी सरप्राइज़ भी आ जाता है तो कोई पता नहीं होता, तो वो तो अलग सीन होंगे ना, वो तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होंगे कल। अच्छा जी, मैं वापस आ गई हूँ, बहुत बिजी डे है मेरा कल के लिए, बहुत सारे मामलात करने हैं मैंने। तो अभी ये है कि फूल वगैरह का बंदोबस्त हो गया है, मेनू में होगा तकरीबन सारे आइटम होंगे खाने वाले, और पार्टी में कौन होगा? मैं होऊंगा और मेरे साथ भी मैं ही होऊंगा, तो बाकी लोग कोई भी नहीं होंगे। तो वो बाकी जो छोटे छोटे सेगमेंट हैं वो अलग अलग होंगे, लेकिन जो मेरा प्रोग्राम है उसमें सिर्फ मैं होऊंगा और मेरे साथ भी मैं ही होऊंगा। और मेरे साथ ये होगी मेरी डार्लिंग निमो डार्लिंग, इसको सुबह वॉश करवाएंगे अच्छी तरह, अगर टाइम मिला तो सही ओके करेंगे, पॉलिश वगैरह करा के, तो फिर कल का दिन जो है वो फिर इंशाल्लाह मज़ेदार ही होगा होपफुली। रूम में आ चुका हूँ मैं, कल कर्टन्स वगैरह न्यू लगेंगे सारे, न्यू कलर के स्पेशल मैचिंग होंगे। ये जो वॉल है, वॉल टू वॉल जो है, ये फ्लावर ही फ्लावर होंगे साइडों पर ज़बरदस्त किस्म के। इधर जो ये वाली वॉल है इस पर लिखाएंगे हैप्पी बर्थडे, और ये सारा इधर आगे फिर टेबल वगैरह और पार्टी का जो मेरा प्रोग्राम होगा वो होगा। और बाकी म्यूज़िक वगैरह नहीं, म्यूज़िक नहीं लगाते, तो बस कवालिश वाली होगी हल्की फुल्की। और कवाली से याद आया, आज रात को भी कवाली नाइट होगी ज़बरदस्त किस्म की, तो कवालियाँ वगैरह चलेंगी सही है, अभी मामला चलेंगे। कुछ देर पहले मेरे एक फ़ैन है मेच्योर किस्म के, उनका मैसेज आया था कि कल आपके साथ पार्टी करना चाहता हूं मैं, कोई टी टाइम प्रोग्राम रखें, मेरे कुछ फ्रेंड हैं आप भी आएँ। तो मैंने कहा जी कल वाला दिन तो मेरा बहुत बिजी है, लेकिन आपके लिए मैं स्पेशल टाइम निकालूंगा, आपने इतने प्यार से बोला है। तो वो अख्तर नाम है उनका, राजा अख्तर अब्बास, तो उनका स्पेशल मैसेज आया है। तो मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी, तो अभी देखते हैं। फिर कल मैंने उनको बताया कि बहुत बिजी हूँ क्योंकि डेकोरेशन, फूल पत्तियाँ, ये सारे मामला, तो अभी सारा कुछ समझा दिया उनको, लेकिन साथ साथ एक इशू हो गया, मैंने उनको स्पेशल फ्लावर बोले, उन्होंने कहा ये हमारे पास नहीं है जी, ये तो इंपोर्ट होते हैं। तो फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा तुम फूल रहने दो। कारपेट वालों को कॉल किया कि रोड से लेके घर तक कारपेट ही कारपेट करने हैं, तो वो बता रहे थे जी जो कारपेट का स्टैंडर्ड आप बता रहे हैं वो तो हमारे पास नहीं है। तो उनको भी मैंने गुस्से में मना कर दिया, मैंने कहा आप भी रहने दो भाई, तो शुरू होते खत्म हुए यार। फिर इसीलिए सीन वही बना है, मैं और मेरे साथ भी मैं हूँ, तो बस फिर अपने रूम में ही कुछ प्रोग्राम कर लेंगे। क्वाली नाइट तो चलेगी चलेगी ना, वो तो कैंसिल नहीं हो सकती, वो लैपटॉप खोलें या मोबाइल उस पर क्वाली चल जाएगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। इंटीरियर डिजाइनर से भी मेरा झगड़ा हो गया, तो रूम मैंने खुद डेकोरेट करना है, मैं जरा ड्रेस चेंज कर रहा हूँ, फिर देखूंगा सिचुएशन क्या बनती है। भाई हम भी इंटीरियर डिजाइनर है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अभी मैं ज़रा किचन में दे हूँ जा रहा हूँ, देखूँ क्या क्या मेनू में बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है भी मामलात हैं आज और कल के दिन बहुत स्पेशल है। ये जी आज क्वाली नाइट पे चलेंगे मटर और आलू, रात को डिनर में मटर आलू हैं,
और साथ में डेली मिल्क तो पीता ही हूँ एक मगा रात को, तो बस ये पियेंगे। आज बहुत जबरदस्त मेन्यू है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया करें जो चीज मिलती है। उम्मीद तो नहीं है ना कि पार्टी में चिकन, बीफ और मटन कबाब ये सब कुछ हो पिलाओ। भाई पार्टी मैंने करनी है, मेरी मर्जी, मैं वन मैन शो हूँ, मटर आलू खाऊं, दूध पीऊं, जो मर्जी करूं। आपको दिया है मैंने मीडिया की, सोशल मीडिया की दुनिया का ड्रामेबाजी, ऐसे ड्रामेबाजियां होती हैं, पेंसिल और मेरा प्रोग्राम कैंसिल। इंसान को आजी में रहना चाहिए, ज़्यादा नबूदो नुमाइश नहीं करनी चाहिए, जस्ट ज़रा थ्रिल कर रहा था, चिल कर रहा था, मूड जरा बूस्ट कर रहा था, बाकी ऐसा कोई प्लान नहीं है, जस्ट जोकिंग विद यू। और ये है कि अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अली असलान इज़ ऑफिशियली नो साइनिंग आउट, क्योंकि छोड़े रहने दें। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।